आज ये वीडियो बहुत ही कमाल का होने वाला है, बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप देख सकते हैं इस तरह से थिम्बल अगर बार बार जल जाता है कंप्रेसर का, जो कंप्रेसर में वायरिंग करते हैं और थिम्बल बार बार जल जाता है, क्या फॉल्ट होता है। आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे कि क्या फॉल्ट होता है, क्या प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से थिम्बल बार बार जल जाता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और वीडियो थोड़ा भी मिस नहीं करना है, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। और उससे पहले मैं हमेशा की तरह बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए इसे यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो बात करते हैं टॉपिक की कि थिम्बल बार बार क्यों जल जाता है। प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा आज कि थिम्बल अगर जल जाता है बार बार तो उसमें क्या उपाय कर सकते हैं और क्या रीज़न होता है, क्या प्रॉब्लम होता है जिसके वजह से थिम्बल जलता है बार बार। अगर एक बार जला, दो बार जला, तीन बार जला, अगर उसमें कोई नॉर्मल सा थिम्बल होता है, अगर वह थिम्बल बार बार जल जाता है तो आप हार्ड वाला थिम्बल कैसे लगा सकते हैं, वो कहाँ से मिलता है और कैसे आप उसे यूज कर सकते हैं ताकि लंबे समय तक यह थिम्बल बार बार जलने का प्रॉब्लम ना आए। लेकिन उससे पहले हम रीज़न की बात कर लेते हैं कि रीज़न क्या क्या हो सकता है। तो देखिए, पहला रीज़न होता है कि अगर उसका कैपेसिटर अगर कमज़ोर है, मानिए कि कैपेसिटर चेंज हुआ और कैपेसिटर अगर किसी ने वह अगर 45 mAh का है और 40 UF का है, अगर वह निकाल करके 35 UF का या फिर 30 UF का या फिर 25 UF का अगर कैपेसिटर लगा दिया जाए तो उसमें क्या होगा कि कंप्रेसर को बराबर रन नहीं करवा पाएगा वह कैपेसिटर, क्योंकि उस कैपेसिटर में कैपेसिटी कम होगी। अगर 40 UF की जगह पे अगर 30 UF का या फिर 25 UF का अगर कैपेसिटर लगा दिया जाए तो वह कंप्रेसर कैसा चलेगा। मानिए अगर किसी आदमी का खुराक इतना सा है, अगर उसे इतना सा खिलाया जाए किसी आदमी को तो वह कैसा काम कर पाएगा। तो यही प्रॉब्लम है इसमें कि अगर कैपेसिटर का मान अगर 40 UF का पहले से कंपनी ने लगा करके दिया है, अगर उसी जगह पर किसी ने 30 UF या फिर 25 UF का कैपेसिटर अगर किसी ने डाल दिया तो यह प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकता है। यह एक मुख्य रीज़न होता है कि कंप्रेसर बार बार हीटअप होता है। अब हम बात करते हैं कि नंबर टू में क्या होता है कि अगर रेफ्रिजरेंट बहुत ज़्यादा है सिस्टम में, अगर किसी ने चार्ज करने गया टेक्नीशियन, अगर 60 का प्रेशर, मानिए R22 है, अगर 60 का प्रेशर है वहाँ पर और 60 की जगह पे हुआ है 80 का या फिर 90 का प्रेशर डाल दिया तो वहाँ पर कंप्रेसर हीटअप होकर ट्रिप होगा ही होगा, उसके साथ में कंप्रेसर बहुत हीटअप होगा, उसके साथ में थिम्बल भी जलने का खतरा बढ़ जाता है वहाँ पर, ये प्रॉब्लम होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम होता है कि अगर थिम्बल अगर लूज होगा कनेक्शन, जैसे अगर हमने थिम्बल कंपनी ने जो लगा के देता है, कंपनी बहुत हार्ड लगा के देता है, लेकिन अगर कंपनी से भी अगर गलती हो जाए, मानिए थोड़ा सा लूज हो गया कनेक्शन, थोड़ा सा थिम्बल लूज हो गया, तो वहाँ पर कंपनी का गलती ये तो हो गया। अगर मानिए कि एक साल में, दो साल में अगर थिम्बल एक बार जल गया तो दूसरा थिम्बल अगर जब भी आप डाल रहे हों तो थिम्बल आपको अच्छी तरह से टाइट करके और उसे फिक्स करना होगा अच्छी तरह से ताकि हीले ना, क्योंकि थिम्बल अगर फिर से हीलेगा तो फिर से वहाँ पर स्पार्क हो लगा और मेल्ड होकर के वो थिम्बल फिर से जल जाएगा और वायर वहाँ पे अलग हो जाएगा जिससे कंप्रेसर चलना बंद हो जाएगा। तो लूज कनेक्शन की वजह से भी थिम्बल बार बार जल जाता है, बार बार उसे चेंज करना पड़ता है। और थिम्बल देखिए, ये नहीं है कि बार बार आप थिम्बल चेंज करते हो, एक महीने दो महीने चलने के बाद तो ये आपके लिए नॉर्मल है कि दो महीने में चलो थिम्बल चेंज कर देता हूँ फिर चलेगा, ये गलती कभी भी मत करिए। इससे कंप्रेसर का ज़िंदगी पूरा ख़त्म हो सकता है, कंप्रेसर पूरी तरह से डैमेज हो सकता है, क्योंकि कंप्रेसर में तीन टर्मिनल होते हैं, उसमें तीन पिन लगे होते हैं। अगर वह तीनों पिन में से कोई एक पिन अगर ख़राब हो जाता है, पूरा नीचे से अगर टूट जाता है तो कंप्रेसर आपको चेंज करना पड़ेगा, कंप्रेसर वह नहीं चल पाएगा। इसलिए आप जब भी कनेक्शन कर रहे हो कंप्रेसर का और थिम्बल जब भी आप लगा रहे हो तो थिम्बल बहुत अच्छी तरह से उसे टाइट करना होता है ताकि वहाँ से फिर से स्पार्क और मेल्ट होने के चांस ना हो।
इसलिए आप दूसरा थिम्बल आपका अगर बार बार जल रहा है, वह कॉपर का थिम्बल और एल्युमिनियम का थिम्बल अगर बार बार जल रहा है, तो अब इस तरह का थिम्बल आप देख सकते हैं, इस तरह का थिम्बल आप लगा सकते हैं कंप्रेसर में, ताकि लंबे समय तक कोई प्रॉब्लम ना आए। और लंबे समय तक थिम्बल हीटअप होने के बाद भी कभी कभी होता है कि सीजन की वजह से, सीजन के तापमान जब बढ़ता है तो उस वजह से भी कंप्रेसर थोड़ा बहुत हीटअप होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हीटअप हो रहा है तो उसका रीज़न कुछ और होता है। अगर थोड़ा बहुत हीटअप हो रहा है तो सीज़न की वजह से ऐसा होता है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ता है, बाहर का एम्बिएंट टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो कंप्रेसर थोड़ा बहुत हीटअप हो सकता है वहाँ पे। लेकिन नॉर्मल समय में फरवरी मार्च मार्च से लेकर के जून तक, जून तक उतना बहुत गर्मी पड़ने, लेकिन जुलाई में जा कर के, जुलाई अगस्त में बहुत ज़्यादा हीटअप होता है। इस सीज़न में, इस दो तीन महीने में कंप्रेसर बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, तो वहाँ पर चांस होते हैं कि वहाँ पर थिम्बल जलने के, लेकिन जलता नहीं है क्योंकि वो अच्छी तरह से कंपनी अच्छी तरह से लगा करके देती है। अगर वहाँ पर ढीला अगर कनेक्शन किया जाता है तो इस तरह से होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये हो गया लूज कनेक्शन, और कैपेसिटर अगर कमज़ोर है, रेफ्रिजरेंट अगर भी उसमें कम है या फिर ज़्यादा है, तो भी यह प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। लेकिन अगर कंप्रेसर ख़राब हो गया है, उसका रनिंग बेंडिंग अगर कमज़ोर हो गया है, तो भी यह प्रॉब्लम फेस करने को मिल सकता है। यह रीज़न तब भी ऐसा होता है कि अगर कंप्रेसर का बेंडिंग, रनिंग बेंडिंग जो होता है, वो अगर कमज़ोर हो गया है और रनिंग नहीं कर पा रहा है कैपेसिटर, तो वहाँ पर कंप्रेसर हीटअप होगा, हीटअप होकर के वह थिम्बल जल जाएगा, या तो हीटअप होकर के ट्रिप होगा, या तो थिम्बल ही जलेगा, या फिर शॉर्ट सर्किट, पूरा शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, जो कि तीनों थिम्बल जल सकते हैं इस तरह का। तो अगर इस तरह के फॉल्ट हैं, अगर कंप्रेसर का रनिंग बेंडिंग कमज़ोर है, अगर कैपेसिटर भी सही है, गैस भी सही है, और वायरिंग भी उसका लूज नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि कंप्रेसर का रनिंग बेंडिंग कमज़ोर हो जाता है, तो कंप्रेसर चेंज करना ही पड़ता है। अगर वारंटी में है तो कंप्रेसर को आप कॉल करके, कॉल सेंटर से आप कॉल करके बुला सकते हैं, और कंप्रेसर का कंप्लेंट आप लिखवा सकते हैं कि हमारा कंप्रेसर ख़राब है, तो वह कंपनी वाले वहाँ से चेंज कर देंगे, कंप्रेसर नया वहाँ पर लगा देंगे। अगर रनिंग बेंडिंग कमज़ोर होता है तो उसमें कोई रास्ता नहीं होता है कि कंप्रेसर को किसी तरह से, किसी उपाय से चला दिया जाए। तो ये कुछ रीज़न होते हैं। अब हम बात करते हैं कि कंप्रेसर को आप कैसे कैसे उसे, अगर मानिए बार बार अगर फॉल्ट हो रहा है, ये कंप्रेसर का थिम्बल अगर बार बार जल रहा है, तो उसे कैसे आप दूसरा थिम्बल, बढ़िया वाला थिम्बल जो कॉपर का होता है, मोटा वाला थिम्बल, आप उसे कैसे लगा करके लंबे समय तक रन करवा सकते हैं कंप्रेसर को, तो चलिए प्रैक्टिकल सीखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमारे पास कंप्रेसर और इसका टर्मिनल, जो कि यहाँ पर स्पार्क करने की वजह से जल गया था। आप देख सकते हैं एक टर्मिनल सिर्फ सही है, दो टर्मिनल हमारा जल चुका है कंप्रेसर का। तो इसे हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे टर्मिनल को। अब देखिए होता क्या, उसमें पतला पतला पत्ती लगा होता है टर्मिनल में, तीनों टर्मिनल में पतले पतले पत्ती लगे होते हैं, जिससे क्या होता है कि वह पत्ती थिम्बल में जा कर के अच्छी तरह से बैठ जाता है। अगर वह पत्ती आधी तरह से कट जाए तो फिर वहाँ पर पत्ती और थिम्बल लग नहीं पाएगा, इसलिए उसे अच्छी तरह से हम फाइल से साफ़ करेंगे, अच्छी तरह से क्लीन करेंगे, उस पत्ती को हम तोड़ करके बाहर निकाल देंगे, ताकि सिर्फ टर्मिनल सीधा पाइप की तरह बचा रहे, सीधा जो निडिल की तरह होता है, देखिए उसे हम प्लास से और किसी नोज प्लायर की मदद से उसे हम तोड़ देते हैं अच्छी तरह से, ताकि सिर्फ सीधा रहे बिल्कुल, ताकि जो नया वाला थिम्बल है वो अच्छी तरह से बैठ सके। नया वाला थिम्बल जो हमारे पास, वो अगर पत्ती उसमें लगा है तो वहाँ पर नहीं बैठेगा, सिर्फ रॉड की तरह अगर जहाँ रहेगा वहीं पर बैठेगा। मैं आगे आपको मैं बस दिखाऊंगा कि जो नया वाला थिम्बल होता है वो कैसा होता है। तो ये जो पतला पत्ती होता है उसे हम तोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारा थिम्बल किस तरह से जला हुआ है। जो थिम्बल जला हुआ है उसी थिम्बल को हम अच्छी तरह से साफ़ करेंगे, और अच्छी तरह से थिम्बल तो तीनों हम साफ़ करेंगे, लेकिन जो थिम्बल जला हुआ है वहाँ पर हम देख लेंगे, वही थिम्बल हम नया वाला थिम्बल उसके जगह पे हम रिप्लेस करने वाले हैं। तो उसे हम तोड़ करके निकाल देंगे और फाइल से अच्छी तरह से साफ़ करेंगे बिल्कुल भी। देखिए जितना अच्छी तरह से आप साफ़ करेंगे उतना लंबे समय तक आपका कंप्रेसर फिर से चलेगा। अगर ऐसा नहीं कि जंग आपने फिर से जो स्पार्क करके उसमें मेल्ट हुआ है वह वैसे ही छोड़ देंगे, तो फिर से स्पार्किंग करना शुरू कर देगा और जल्दी फिर से फॉल्ट हो जाएगा यह। इसलिए आपको क्या करना है, अच्छी तरह से साफ़ करना है जितना मेल्ट हुआ है। अब देख सकते हैं हमारे पास नया थिम्बल है, तीन थिम्बल है हमारे पास, लेकिन सिर्फ हम दो ही लगाने वाले हैं, क्योंकि कॉमन का थिम्बल जो हमारा वो
कॉमन का टर्मिनल है वो सही है, सिर्फ हम रनिंग और स्टार्टिंग में लगाने वाले हैं, क्योंकि हमारा दो ही टर्मिनल ब्लास्ट हुआ है, जो एक स्टार्टिंग है और एक रनिंग है। आप यहाँ पे देख सकते हैं रनिंग और स्टार्टिंग दोनों जगह पे हमने नया वाला थिम्बल लगा दिया है, और एक पुराना वाला थिम्बल वैसे जिसमें पत्ती लगा हुआ है वो कॉमन का पॉइंट है, उसे हम ऐसे ही रन स्टार्टिंग सॉरी वो स्टार्टिंग है और एक हमारा रनिंग है, और रनिंग और कॉमन और स्टार्टिंग वाला पॉइंट जो है उसे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जो जो थिम्बल बार बार जल रहा है उसी की जगह पर हम नया वाला थिम्बल को यूज करेंगे और अच्छी तरह से इसे हम टाइट कर देंगे। इसे हम नट इसको ड्राइवर की मदद से या फिर टेस्टर की मदद से उसे अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। अब यह थिम्बल बार बार जल रहा था, अब यह थिम्बल लंबे समय तक नहीं ख़राब होगा, लंबे समय तक मेल्ट नहीं होगा, स्पार्क नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने अच्छी तरह से इसे फिक्स कर दिया है। और इसके साथ में मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता है कि कौन सा एरर कौन से फॉल्ट के कारण आता है, अलग अलग कंपनी के एयर कंडीशनर सिस्टम में कौन सा एरर आता है, क्योंकि अलग अलग कंपनी के एयर कंडीशनर में अलग अलग एरर कोड शो होते हैं, तो सारे एरर कोड के लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप सारे एरर कोड को फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का एयर कंडीशनर कौन सा एरर कौन से फॉल्ट के कारण आता है। पूरा कंप्लीट डिटेल्स में दिया हूँ, वहाँ पर जा कर के आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, उस फाइल को डाउनलोड करके आप अपने पास रख सकते हैं, ज़रूरत पड़ने पर आप उसे देख सकते हैं कि कौन सा एरर क्यों आता है।